हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जमाल खान और ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो एम हॉक 2012 का मॉडल है, डीजल कार है ये। और ये कार हमारे पास आई है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है शाहजहाँपुर। तो शाहजहाँपुर से हमारे बरेली ज़िले की एक तहसील है आंवला, और आंवला में हमारे यहाँ ठीक होने आई है हमारी यूट्यूब वीडियो देखकर। तो इसमें काफ़ी सारे काम हैं दोस्तों, क्योंकि ये गाड़ी 2012 मॉडल है, यानी 10 साल पुरानी गाड़ी है ये। तो इस गाड़ी में जो है नीचे सस्पेंशन में काफ़ी सारी आवाज़ें थी, काफ़ी सारी जब किसी ख़राब रास्ते पर, गड्ढी गड्ढों वाले रास्ते पर जब गाड़ी चल रही थी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें, और कई बार तो प्लेन रास्ते पे भी कभी कभी आवाज़ ब्रेक लेने पे या ब्रेकर जब भी कूदती थी तो आवाज़ें आने लगती थी इसमें। और गाड़ी बहुत ज़्यादा नीचे गिरकर चल रही थी, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन के फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन, इसके सभी बूश जो हैं पूरी तरह से कट चुके हैं, डैमेज हो गए हैं, और इसके ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं सस्पेंशन के वो ख़राब हो गए हैं। तो वो सभी हम बदलेंगे और एक एक करके आपको सभी दिखाएंगे। और इसके शॉकर वगैरह जो हैं, तो इसके शॉकर भी दोस्तों पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, इनमें भी प्रेशर नहीं है ज़रा भी, तो ये भी हम चेंज करेंगे। और लगभग लगभग दोस्तों इसमें 90% पार्ट्स जो हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। तो ये सभी पार्ट हम बदलेंगे और सभी पार्ट ओरिजिनल महिंद्रा के इसमें डालेंगे गाड़ी में, और एक एक करके हम आपको दिखाते चल रहे हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट ख़राब हुए हैं। जब भी कभी गाड़ी में नीचे से गाड़ी आप जब चला रहे हैं तो नीचे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें लग रही हैं, तो ये सस्पेंशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सस्पेंशन के जो बुश हैं, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हैं, ये साइडों से चटक गया है, जगह छोड़ गया है यहाँ पर। तो ये बुश वगैरह जब कट जाते हैं तो इनमें सब प्ले बन जाती है, और जो हिस्से में, सभी हिस्से में जो फिक्सिंग होना चाहिए वो फिक्सिंग नहीं होती है फिर उसमें। और गाड़ी जब भी कोई ब्रेकर कूदती है या किसी गड्डी गड्डी वाले रास्ते पर चलती है तो गाड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ें खटर बटर की करने लगती है, और गाड़ी ऐसा लगता है जैसे नीचे डाउन होके भी चल रही है। ये इसके फ्रंट बैलेंस रॉड के बुश हैं, ये भी ख़राब है, दिखाता हूँ आपको। ये साइड से आप देख सकते हैं, इधर से इसका होल तो बढ़ ही गया है, बाकी इस साइड से भी ये पूरे गड्ढे बन गए, इसमें आपको साफ साफ दिख रहे होंगे वीडियो में। ये इसका टायर आउट एंड है जो लगा होता है स्टीयरिंग रैक में, हालांकि ये थोड़ा ठीक है, चल सकता है, लेकिन इसको भी हम बदलेंगे, क्योंकि सभी पार्ट हम नया डाल रहे हैं तो एक पार्ट ये वाला पुराना नहीं डालेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया कंडीशन में नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं कटा है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल कट गया है। तो इस एक पार्ट को भी हम ज़रूर बदलेंगे, और बाकी जितने भी और पार्ट हैं, जैसे कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये इसका फ्रंट कॉइल स्प्रिंग है, और कॉइल स्प्रिंग जो है दोस्तों जब बदलना होता है, जब कभी ये टूट जाता है, चटक जाता है, तब बदलना होता है, और वैसे इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसके ऊपर की कॉइल स्प्रिंग की सीट है, जो कॉइल स्प्रिंग पैड भी कहलाता है, और स्प्रिंग के ऊपर साइड में लगा होता है। तो ये पैड आप देख सकते हैं, रबर का पार्ट है और ये पूरी तरह से कट गया है, तो ये भी लोहे की बॉडी में, और स्प्रिंग पूरा टच होकर चल रहा था तो इसकी भी आवाज़ थी। और ये इसका व्हील जॉइंट है, फ्रंट लोअर आर्म व्हील जॉइंट, तो व्हील जॉइंट में भी बहुत ज़्यादा प्ले है, ये खट 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 की आवाज़ है इसके अंदर, तो इसको भी हम बदलेंगे। तो एक एक करके हम आपको सभी पार्ट दिखाते हुए चल रहे हैं कि जब भी कभी गाड़ी का जो मेजर काम है जब इकट्ठा हो जाता है गाड़ी में तो क्या क्या कराना पड़ता है। जैसे ये इसके ब्रेक पैड हैं, ब्रेक पैड भी बदलने की कंडीशन में, तो ये ब्रेक पैड भी हम नए डलवाएंगे दोस्तों, और इसकी ब्रेक डिस्क भी जो है वो नई डलवाएंगे। और ये है इसकी स्टीयरिंग रैक, तो स्टीयरिंग रैक के अंदर ये जो लगा है स्टीयरिंग रैक इनर बॉल जॉइंट, तो ये भी कट गया है और बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है। बाकी यहाँ पर आपको लीकेज भी इसकी दिख रही होगी, क्योंकि इसका स्टीयरिंग रैक का बूट जो है रबड़ वाला डस्ट कवर वो फट गया है, और ये रैक एंड आप देख सकते हैं कितना ढीला हो गया है। और दोस्तों ये है इसकी फ्रंट बैलेंस रॉड, जो कि जंपिंग रॉड भी कहलाती है, तो ये यहाँ आगे फ्रंट में लगी होती है इस साइड में, तो यहीं पर लगे होते हैं इसमें बैलेंस रॉड के जो बुश लगे होते हैं, जो मैंने आपको दिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो ये बुश इस बैलेंस रॉड में लगे होते हैं। और इस साइड का हमने पूरा सस्पेंशन खुलवा दिया, और बाकी राइट साइड का भी खुलवाया है, तो राइट साइड के भी जो सभी पार्ट हैं वो भी पूरी तरह से। तो दोस्तों याद रखें कि आपके पास में कोई सी भी कार हो, ये ज़रूरी नहीं है कि स्कॉर्पियो का मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ स्कॉर्पियो पे ये चीज़ लागू होती है। कोई सी भी कार हो आपके पास में, डीजल हो, पेट्रोल हो, कोई सी भी हो, किसी भी कंपनी की, अगर उसके सस्पेंशन में अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, गाड़ी बहुत ज़्यादा खटर पटर कर रही है, तो सस्पेंशन में बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ इसके बुशिंग हम चेंज करा देंगे, बुश जो हैं इसके चेंज करा देंगे तो हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल ओके हो जाएगी। और बहुत सारे हमारे मिस्त्री भाई भी यही सलाह देते हैं कि इसके बुश पड़ेंगे और गाड़ी हमारी, ये आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
तो ऐसा है कि कभी भी अगर सस्पेंशन का काम अगर आपको लग रहा है गाड़ी में आवाज़ है तो पूरा सस्पेंशन पहले इसको खुलवाएं, खुलवाकर एक एक पार्ट पहले चेक कराएं कि कितने पार्ट इसमें सही हैं कितने ख़राब हैं। जैसे कि ये इसका चेंचेस में लगा हुआ है बुश होता है, तो चेंचेस में लगा हुआ होता है ये बुश इतना ज़्यादा फट गया है कि इसकी भोगली जो है बुश की वो बाहर को आ गई है, ये आपको दिख रही होगी। थोड़ा इसको निकालने की कोशिश करता हूँ मैं भी, ये बहुत ज़्यादा फिक्स है ये भी। तो ये क्या है कि ये भी फट चुका है बुश। तो क्या होता है कि सस्पेंशन के सभी पार्ट, जैसे इसके बुशिंग किट है पूरी, सस्पेंशन के टायर रॉड एंड, व्हील जॉइंट, रैक एंड, ये सब चेक करना होगा। और ये इसकी फ्रंट कॉइल स्प्रिंग पैड है जो ये निकाला हमने, तो ये पैड जो है ये भी हम चेंज करेंगे। तो एक एक करके सारे पार्टों को पहले चेक किया जाता है, चेक करने के बाद ही फिर इसमें क्या ख़राब है और क्या बदलना है तभी पता लग पाता है। तो अभी हमने इसका जो है फ्रंट सस्पेंशन पूरी तरह से खुलवा दिया है, और इसका रियर सस्पेंशन जो है, जो पीछे वाला सस्पेंशन कहलाता है, इसमें रॉडें लगी होती हैं, हर रॉड में बुश लगे होते हैं, तो पीछे वाला सस्पेंशन भी हमने खुलवा दिया है और इसके बुश भी लगभग चटक रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से अभी डैमेज नहीं हुए हैं, लेकिन अभी ये क्योंकि कुछ टाइम के बाद में, चलने के बाद में ये अपनी जगह छोड़ देते, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सब चटक गए हैं बुश, इनमें निशान आने लगे हैं। तो ये पीछे वाला सस्पेंशन जो है वो भी हम हाथों हाथ करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में जब भी मज़ा आएगा कि फ्रंट और रियर दोनों का सस्पेंशन जब बिल्कुल नया हो जाएगा तभी गाड़ी एकदम बढ़िया चल के देगी, और गाड़ी की जितनी भी आवाज़ें हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और गाड़ी बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। तो ये पीछे साइड का हमने सस्पेंशन खुलवाया है, और बाकी पीछे साइड के जो शॉकर हैं दोस्तों, शॉकर दोनों बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में हैं, और इसके जो टायर रॉड एंड और स्टीयरिंग रैक इनर बॉल जॉइंट ये सभी हम चेंज करेंगे, जो कि आपको दिखाते हुए चले हैं। बाकी ये वाला बुश जो है हमने, जो चेंजेस वाला आपको दिखाया था पहले, तो ये हमने गैस वेल्डिंग से काट के पुराना वाला निकाल दिया और नया वाला बुश यहाँ पर लगा दिया, जो कि आपको दिख रहा है अभी, ये हमने लगाया है, नया बुश है ये। तो दोस्तों, अपनी गाड़ी बढ़िया बनवाने के लिए लोग हमारी वीडियो देखकर हमारे पास में दूर से इसीलिए शायद आते हैं कि हम पूरा बारीकी से सभी एक एक पार्ट को चेक करते हैं और कहाँ कौन सा पार्ट डैमेज है, ख़राब है या किसको बदलना है, तो उस चीज़ को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान देकर काम करते हैं। तो शायद यही सब हमारी वीडियो में देखकर लोगों को पसंद आता है, हमारा काम करने का तरीका पसंद आता है, जो हम समझाते हैं दिखाते हैं वो समझ में आता है, तो इसीलिए शायद लोग इतना दूर से हमारे पास में अपनी गाड़ियां ठीक कराने के लिए आते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों के राज्य में या उन लोगों के ज़िले में अच्छे मैकेनिक नहीं है या अच्छे गैरेज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं ये शौकीन लोग हैं जो अपनी गाड़ी बनवाने यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, अभी सभी पार्ट हम खुलवा रहे हैं और खोलने के बाद में फिर इसकी सफाई भी करेंगे और इसको साफ़ करके फिर नए वाले जो हमने पार्ट्स मंगाए हैं वो सब भी हम लगवाएंगे। और दोस्तों, एक साइड का जो फ्रंट लोअर आर्म है उसमें एक कमी ये भी है, जो अभी हमने नोटिस की, कि इसमें जो है इस साइड का ये जो व्हील जॉइंट है, फ्रंट लोअर आर्म का व्हील जॉइंट, ये गलत लगाया है किसी मैकेनिक ने धोखे से शायद, क्योंकि ये व्हील जॉइंट जो है नीचे की साइड से लगता है और ऊपर से रखकर और फिर बोल्ट लगाकर खींच दिया है, जबकि व्हील जॉइंट नीचे की साइड से यहाँ से लगता है, और ये शायद गलती से किसी लड़के ने जो गैरेज पे काम करते हैं धोखे से लगा दिया होगा। तो इस चीज़ को मैकेनिक ने, हमारे मैकेनिक भाई ने, किसी ने नोटिस नहीं किया इस बात को। और दोस्तों, ये इसके फ्रंट इंजन माउंटिंग है, इंजन माउंटिंग जो है ये भी हमने महिंद्रा के ओरिजिनल मंगा लिए हैं। तो इंजन माउंटिंग, क्योंकि ये गाड़ी 2012 का मॉडल है, 10 साल पुरानी हो गई, और 8 से 10 साल में ये इंजन माउंटिंग कटना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रबर का पार्ट है और इंजन का पूरा लोड जो है इसी पर होता है। तो ये हमने महिंद्रा के दोनों मंगा लिए हैं, ये भी हम नए डालेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं इसका फ्रंट लोअर आर्म, इसके स्टीयरिंग रैक इनर बॉल जॉइंट और इसके इंजन माउंटिंग, ये हम सब लगवाएंगे। तो पुराना वाला खुलवा रहे हैं अभी, ये इसका पुराना वाला माउंटिंग है जो हम बाहर निकाल रहे हैं अभी, तो इसको निकाल कर फिर नया वाला माउंटिंग लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ से इसका नट जो है ऊपर से वो उसको टाइट करवा देंगे। और दोस्तों, इसके स्टीयरिंग रैक इनर बॉल जॉइंट, टायर रॉड एंड, ये सब हमने नए लगवा दिए हैं इसमें, इसका फ्रंट लोअर आर्म व्हील जॉइंट, और जितना भी पुराना सामान जो निकलता जा रहा है दोस्तों, वो हमने सब एक साइड में रखा है, ताकि हम आप लोगों को भी दिखा पाएँ कि हमने कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो इसमें चेंज किए हैं, बदले हैं, और कितने पार्ट इसमें ख़राब हो गए थे। तो एक तरफ से हमने जितने भी पार्ट निकालते जा रहे हैं वो एक साइड में रखते जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को भी आइडिया लग जाएगा भाई कितने पार्ट इसमें बदलना पड़े हैं इस गाड़ी में। और ये गाड़ी को बिल्कुल एक तरफ से हम नया बनाते चल रहे हैं, जितने पार्ट इसमें बढ़िया ये सब पड़ जाएंगे गाड़ी में उतना ज़्यादा ही मज़ा आएगा और ये गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी।
और इसके ये फ्रंट ब्रेक डिस्क पैड जो हैं ये हमने मंगवा लिए हैं, ये TVS के ओरिजिनल ब्रेक डिस्क पैड हैं। तो ये हमने स्कॉर्पियो एमहॉक वाले पैड मंगाए हैं क्योंकि ये स्कॉर्पियो एमहॉक है, तो इसके पैड हम अभी लगवाएंगे और इसकी MRP दिखाते हैं अभी। तो ये इसकी MRP प्राइस है और इसका पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है और ये स्कॉर्पियो के नाम से ही है, स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट। तो ये तो अभी फाइनली दोस्तों हमने पूरा फ्रंट सस्पेंशन जो है पूरा फिट करवा दिया है और एक एक पार्ट हमने जो आपको वीडियो में दिखाए थे वो सभी लगवा दिए हैं। जैसे इसकी फ्रंट ब्रेक डिस्क रोटर, इसकी जो फ्रंट डिस्प्लेटें जो हैं ये भी हमने नई लगाई हैं क्योंकि पुरानी वाली काफ़ी कट गई थी। और इसके ब्रेक पैड ये वाले, ये भी आपको दिखाए वीडियो में, ये भी हमने लगा दिए इसमें। और बाकी इसके सस्पेंशन के जितने भी पार्ट हैं ये सब हमने इसमें लगवा दिए हैं, वो भी एक एक करके आपको सभी दिखाएंगे। तो डिस्क रोटर हमने नई इसलिए डाल दी क्योंकि पुरानी वाली काफ़ी पतली हो गई थी, काफ़ी घिस गई थी और उस पर हम ख़राब मशीन से फ्रेश कराते तो वो काफ़ी पतली और हो जाती। इसके टायर एंड और इसके रैक इनर बाल जॉइंट ये वाले और इसके डस्ट कवर, स्टीयरिंग रैक के बूट, तो ये सभी हमने नए डाले हैं। ये इसकी लिंक रॉड है जो हम दिखा रहे हैं, लिंक रॉडें भी हमने नई डाली हैं। और ये इसका फ्रंट लोअर आर्म, इसकी बुशिंग किट, सभी बुश जो हैं वो हमने डाले हैं। ये जो लोअर आर्म में लगे होते हैं, अपर आर्म में, सभी लगाए हैं हमने। और इसका शॉकर जो इस कॉयल स्प्रिंग के अंदर की साइड में लगा है, काला कलर का आपको दिख रहा है, ये शॉकर भी हमने नए लगाए हैं। तो शॉकर भी नए हो गए, सस्पेंशन के और पार्ट भी सभी नए हो गए और इसके बिल जॉइंट वगैरह ये भी हमने नए लगाए हैं। तो ये लगा हुआ है इसका फ्रंट अपर आर्म बिल जॉइंट ये वाला, और इसका लोअर आर्म बिल जॉइंट है वो भी हमने नया लगवा दिया है। और इसके बुशिंग, ये शॉकर हो गया और ये अपर आर्म के बुशिंग जो यहाँ पर बुश हैं ये भी हमने लगवा दिए हैं। और इसका इंजन माउंटिंग ये यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, नया इंजन माउंटिंग भी लगा दिया है, आपको अंदर की साइड में दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पर लगा हुआ है इसका फ्रंट लोअर आर्म बिल जॉइंट जो कि ये भी हमने नया लगाया है। तो सभी पार्ट जो हैं सस्पेंशन के वो सभी नए लगाए हैं दोस्तों हमने। और यहाँ पर लगे हुए हैं इसके फ्रंट बैलेंस रॉड के बुश जो कि हमने शुरुआत में आपको दिखाए थे निकाल कर। तो इसके सस्पेंशन के टोटली पार्ट लगा दिए हैं और अब दिखाएंगे राइट साइड के जो हमने पार्ट लगाए हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड के आपको सारे के सारे दिखा दिए, बाकी राइट साइड में भी इतने ही सारे पार्ट लगाए हैं। तो यहाँ पर भी हमने ब्रेक डिस्क रोटर जो है, इसकी ब्रेक प्लेट डिस्प्लेट जो है ये भी हमने नई लगाई है, और इसके ब्रेक पैड जो अंदर की साइड में लगे हुए हैं वो भी हमने नए लगाए हैं TVS के जो आपको वीडियो में दिखाए थे। तो ये सब पार्ट हमने नए लगाए हैं। बाकी सस्पेंशन के टोटल पार्ट जैसे टायर आउट एंड, रैक इनर बाल जॉइंट और इसका स्टीयरिंग रैक का बूट, ये डस्ट कवर और इसकी फ्रंट लिंक रॉड ये साइड की, और इसके बुशिंग, ये बैलेंस रॉड के बुश, ये सब नए लगाए हैं। और बाकी के जितने अंदर दिखा रहे हैं हम आपको, जैसे कि ये इसका शॉकर, तो शॉकर भी हमने नया लगाया है, इस साइड का भी बिल जॉइंट या अपर आर्म ये भी नया लगाया है, और फ्रंट लोअर आर्म बिल जॉइंट ये वाला, तो ये भी हमने सब नया पार्ट्स लगाया है। और सारे हमने महिंद्रा के ओरिजिनल पार्ट यूज़ किए हैं दोस्तों। तो ये सभी पार्ट जब ओरिजिनल लग जाते हैं और इसकी अच्छे तरीके से सेटिंग हो जाती है, जैसे ये इसके फ्रंट ब्रेक हॉस पाइप हैं तो ये भी हमने दोनों नए लगाए हैं, उस साइड का भी और इधर का भी, और इसके ऊपर के बुशिंग वगैरह और इसके इंजन माउंटिंग वगैरह सभी हमने ये नए लगवा दिए। तो ये क्योंकि अगले हिस्से में दोस्तों पूरा का पूरा नया काम हो गया, और इंजन माउंटिंग आपको सामने दिख रहा होगा यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये हमने नया लगवा दिया, दोनों पुराने माउंटिंग निकाल दिए हैं और नए वाले माउंटिंग लगा दिए हैं। तो गाड़ी में जो है दोस्तों, जब कभी भी गाड़ी हमारे पास कोई सी भी आती है उसको पहले हम बारीकी से चेक करते हैं और उसमें जो जो कमियाँ हैं उसको अच्छे तरीके से दूर करते हैं, तभी जाके गाड़ी एकदम बढ़िया चल पाती है दोस्तों। और इसका ये रियर हमने सस्पेंशन जो किया है, रियर सस्पेंशन के पार्ट भी लगवा दिए, बाकी इसके रियर ब्रेक शू वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, तो ब्रेक शू हमने पुराने ही लगाए, बाकी ये व्हील सिलेंडर जो है ये वाला ये हमने नए लगाए दोनों, इस साइड का भी और उस तरफ का भी। बाकी इसके जो रियर शॉकर हैं, शॉकर बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, बोले तो बिल्कुल न्यू है, शॉकर हमने पुराने ही लगाए, बाकी ये लिंक रॉड नहीं लगाई है। और इसके बुशिंग जो हैं, जो रॉटो में लगते हैं बैलेंस रॉड के और बाकी जो रॉटो में बुश लगे हैं, सारे के सारे नए लगाए हैं। और ये कॉयल स्प्रिंग है, कॉयल स्प्रिंग में जो पैड लगते हैं रबर वाले, वो ऊपर की तरफ हमने वो भी नए लगाए हैं। तो ये सस्पेंशन पीछे वाला भी पूरा नंबर एक में हो गया, इसमें भी कोई जुगाड़ या कोई पुराना सौदा नहीं रही है, शॉकर हैं, शॉकर बिल्कुल न्यू कंडीशन है, तो शॉकर हमने पुराने ही लगा दिए हैं। बाकी पार्ट जो हैं दोस्तों सारे के सारे नए लगवाए हैं इसमें, और ब्रेक का भी काम हम करते हुए चले हैं आगे से पीछे तक का। और दोस्तों सभी फिटिंग करने के बाद में हमने इसका जो गियर बॉक्स का ऑयल है वो भी चेंज किया है, क्योंकि काम में हमने इसमें काफ़ी सारे काम किए हैं, उसकी सेकंड पार्ट भी आएगा उसमें दिखाएंगे। जैसे कि इसके एक शाफ्ट है,
शाफ्ट के जो क्रॉस लगे होते हैं, क्रॉस भी हमने नए डाले दोनों, ये वाला भी और पीछे साइड का भी, ये वाला भी। तो हमने सस्पेंशन के जो पार्ट डाले हैं पीछे, वो भी नीचे से हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाले लिंक रॉड है, इसके बैलेंस रॉड के बोश, और इसकी जो शॉकर हैं ये पुराने ही हैं। बाकी हमने जो इसके रॉडों के जो सस्पेंशन के टोटल बोश हैं वो सभी नए डाल दिए हैं। और इसमें हमने और भी काम किया है, तो ये वीडियो जो है दोस्तों दो पार्ट में हमने बनाई है। दूसरे पार्ट में हमने क्लच का काम और भी जो इसका रेडिएटर वगैरह पिकअप वाला काम है वो भी किया है, पर एक ही वीडियो में नहीं जोड़ सकते थे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, और ज़्यादा लंबी वीडियो देखना हर इंसान पसंद नहीं करता, इतना टाइम भी नहीं होता इंसान के पास में। तो इसलिए हमने ये दो पार्ट में बनाई है। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट लगभग हो ही चुका है, और अभी हम अलाइनमेंट कराने के लिए आए हुए हैं। तो नीचे हमने गाड़ी के नीचे की साइड में आके एक एक पार्ट आपको दोबारा से दिखा रहे हैं कि हमने कितना सारा इसमें काम किया है। और ये सब काम करने के बाद में अब हम इसका अलाइनमेंट कराने वाले हैं। तो अलाइनमेंट हम करवा देंगे, उसके बाद में ये गाड़ी बिल्कुल रेडी है, उसके बाद इसकी धुलाई करवा देंगे, और धुलाई करवाने के बाद में ये गाड़ी हम कस्टमर को दे देंगे। तो ये गाड़ी हमारे पास में आई थी जिला शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। तो शाहजहाँपुर हमारे तहसील आंवला जिला बरेली से पास में है, आंवला से करीब 120 किलोमीटर दूर है। तो ये हमारे आंवला में गाड़ी ठीक होने के लिए आई है, जिला शाहजहाँपुर से, उत्तर प्रदेश से, हमारी तहसील आंवला में। और अभी चल रहा है दोस्तों इसका अलाइनमेंट का काम, तो अलाइनमेंट हम करवा रहे हैं, और अलाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद में ये गाड़ी इसकी धुलाई करवाएंगे, और धुलाई करवा के हम कस्टमर को दे देंगे। तो दोस्तों ये जो स्कॉर्पियो है 2012 मॉडल है, डीजल कार है, और ये हमारे पास में हमारी यूट्यूब वीडियो देखकर भाई हमारे पास काम कराने के लिए लेकर आए थे। और हमारे पास में सबसे ज़्यादा बाहर की ही गाड़ियाँ आती रहती हैं काम। और दोस्तों ये गाड़ी अभी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, अब हम इसकी ट्रायल पे जाएंगे। और बराबर में जो स्कॉर्पियो खड़ी है S11, ये आई है हमारे पास में सर्विस के लिए। ये हमारे यहाँ की गाड़ी है, हमारे आंवला की है, आंवला तहसील की। तो इसकी हम करने वाले हैं सर्विस, तो इसकी सर्विस पूरी काम करेंगे इसका, इंजन ऑयल वगैरह, चारों पहिए वगैरह खोलेंगे इसके। तो दोस्तों फाइनली ये गाड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और इसमें हमने अपना स्कैनर लगा के इसको स्कैन भी किया है, क्योंकि क्या होता है जब भी काम करते हैं गाड़ी में तो स्कैनिंग करना ज़रूरी होती है, क्योंकि स्कैनिंग करने के बाद में जो भी ट्रबल कोड हैं, जो भी इसमें वायरस है, वो एक तरह से हट जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे कनेक्शन खोलना पड़ते हैं, जिसकी वजह से चेक लाइट भी आ जाती है, या चेक लाइट कभी नहीं भी आती है तो हिस्ट्री में कई सारे फॉल्ट इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों कई सारे फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। और हिस्ट्री में जब फॉल्ट फंसा रहता है तब भी गाड़ी जो है हरकत करती है, और कई बार चलते चलते अचानक चेक लाइट भी आ जाती है, तो स्कैन करना भी ज़रूरी होता है। तो इसको हमने स्कैन कर दिया दोस्तों, अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अभी ये स्कॉर्पियो का हमने काम कर दिया है, और ये हैं कार के ओनर पुनीत सिंह जी हैं ये, और ये जिला शाहजहाँपुर से आए थे, और पीछे बैठे हैं भाई आकाश भाई हैं। तो ये लोग अपनी गाड़ी ठीक कराने आए थे दोस्तों, हमने गाड़ी का सारा काम कर दिया है, और गाड़ी भाई ने भी चला के देख ली, हमने भी चला के देखी, गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। बाकी हम चाहेंगे पुनीत जी बताएँ कि भाई गाड़ी कैसी चल रही है, कैसा लगा काम आपको? गाड़ी भाई बहुत ही बढ़िया चल रही है। और पहले जब हम जमाल भाई के पास गाड़ी लेके आए थे तो इसके गियर जो हैं थोड़े से हार्ड हो रहा था गियर शिफ्ट, तो फिर जमाल भाई के यहाँ हम लेके आए, इनका यूट्यूब पे हमने वीडियो देखा था, तो इन्होंने क्या नाम है गाड़ी एकदम बिल्कुल नई जैसी लेके आओ एजेंसी से, बिल्कुल वैसी गाड़ी हो गई है, सस्पेंशन से और क्लच से बिल्कुल एकदम बढ़िया काम करा है। आपको किसी को भी अगर काम कराना है तो हम तो शाहजहाँपुर ज़िले से आए हैं, और आप आसपास हो तो भी आओ, दूर से आओ तो कॉल करके आओ, बहुत बढ़िया काम करा है, गाड़ी बिल्कुल मेरी नई हो गई है, और इंजन में जो बिल्कुल आवाज़ थी पहले वाली वो बिल्कुल एकदम वैसी हो गई है, और क्या नाम है पहले गियर वगैरह भी जो टाइट आ रहे थे वो भी हो गया, मैंने सस्पेंशन का भी काम कराया, क्लच का भी काम कराया, सर्विस भी कराई है,
और सब काम एकदम बढ़िया हुआ है बिल्कुल। आप लोग भी आओ, जमाल भाई हम तो कहेंगे जमाल भाई की बात, एकदम बेस्ट काम करा जी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत भाई और आकाश भाई। तो काम आपको भी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके काम को भी देख के बहुत अच्छा लगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि ये काम वाली जानकारी आगे भी पहुँच सके। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।